सभी आत्माओं को कोटि कोटि नमन। आज का जो हमारा विषय है वह है ध्यान में आज्ञा चक्र के पास कुछ ऐसे गुब्बारों का फटना हुआ जिससे आंखों का चश्मा उतर गया और किसी किसी का आंखों की रोशनी बहुत कम थी वो ठीक हो गई, और कुछ तो ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं बहुत जिसमें आंखों की रोशनी जिनकी नहीं भी थी उनकी वापस आ गई। तो ये ध्यान विधि आपको आज हम बताने जा रहे हैं, कैसे आप भी इस विधि को कर सकते हैं और कैसे आपकी भी रोशनी अगर कम है तो वो बढ़ जाएगी, किसी की नहीं है तो वो भी आ सकती है। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो ये जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आंखों में आसपास कुछ ऐसे लगता है जैसे पानी के गोले फूट गए हों, किसी किसी साधु को ऐसा महसूस होता है, कईयों के अनुभव हैं इसमें। तो ऐसा क्या होता है और उससे कैसे करें कि आज्ञा चक्र भी ठीक हो जाए? तो ये हमारे दोनों तरफ जो होता है, एक लेफ्ट और राइट, बीच में ओम का सिंबल हम बोलते हैं और लेफ्ट में हम और शम, ये दो पंखुड़ियों का एक फूल होता है जिसे आज्ञा चक्र बोल देते हैं। हम शम आप रोज क्या करें, 5 मिनट तक इस ध्यान विधि को करेंगे तो आपके आंखों का चश्मा भी उतर सकता है, आपका तीसरा नेत्र भी खुल सकता है और आपके कई बीमारियां, माइग्रेन, सिर दर्द, इस तरह की बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। तो कैसे क्या करें अब जान लेते हैं। जो भी दिमाग से रिलेटेड आपको इश्यू आते हैं, वो जब आपका हमसा चक्र खराब हो जाता है तब ऐसी स्थिति आती है, आंखों की रोशनी कम हो जाना, कानों से कम सुनना, इस तरह की समस्याएं, नाक में जुखाम सा रहना, माइग्रेन रहना, डिप्रेशन रहना, तो ये सारे आगे चक्र के खराब होने से हो जाते हैं, आंखों की रोशनी कम होनी। तो इसको कैसे ठीक करें और इसके अनुभव क्या हैं? पहले हम अनुभव की बात करते हैं ताकि आप भी ये प्रोसेस करें तो आपको भी उसका फायदा मिलेगा। जो व्यक्ति ध्यान साधना करते हैं, वो ध्यान करते करते अपनी कुंडलिनी को जब जागृत करते हैं तो उनकी कुंडलिनी धीरे धीरे, अगर आपको कुंडलिनी के बारे में नहीं पता तो हम हमारी और भी वीडियो देख लें कि कुंडलिनी शक्ति को कैसे जागृत करें। तो जब आप ध्यान एक एक चक्र पे अपने ध्यान को लेके जाएं, पहले मूलाधार पे, फिर स्वाधिष्ठान पे, फिर मणिपुर पे, ऐसे धीरे धीरे करके, फिर हार्ट चक्र पे, फिर उसके बाद विशुद्धि चक्र पे और फिर उसके बाद आज्ञा चक्र पे। अब आज्ञा चक्र पे जब ये समस्याएं आ जाएं तो ये बीमारियां, ये इस तरह का आपको महसूस होगा। तो उसके लिए जैसे हम अपने सिर को दबाते हैं उस तरह से अपने सिर को हल्का हल्का सा दबाना है और आपने एक मंत्र लेना है। पहले क्या बोलना है, ओम, लंबा ओम बोल के और हम शम बोलना है। अब मैं एक बार बोल के बताता हूँ। आपने अपने हाथ को जैसे सिर दबाते हैं दुखदा होता है तो अपने हाथ से ही राइट हैंड से दाहिने हाथ से अपने सिर को वैसे दबाएं जैसे सिर दर्द हो रहा है, और आपने सुमरन जो बोलना है वो बोलिए। फिर उसके बाद ही हम शम, फिर थोड़ा रुकें और ध्यान आगे चक्र के, और फिर दोबारा से अपने ओम का उच्चारण करना है और फिर हम शम कहना है। ऐसा आपने 11 बार करना है, अगर आपके पास टाइम कम है तो 7 बार कर लें। तो ये आपका 5 मिनट का ये लगेगा और आपने ये कहने के बाद ये भी कहना है,
मैंने सभी को क्षमा कर दिया। आपने किसी से कोई लेन देन करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा है, किसी से वैर विरोध है, कोई दुश्मन है, सब भूल जाना है और यही कहना है, हे परमात्मा मैंने सबको माफ कर दिया। और कभी कभी हमने स्वयं भी कुछ गलतियां की होती हैं, जिस वजह से हम सोचते हैं कि हम परमात्मा से, भगवान से कैसे निगाह मिलाएंगे। तो आपने उसके लिए भी क्षमा करना है, मैंने स्वयं को भी क्षमा कर दिया। इससे आप जब क्षमा करेंगे, फॉरगिवनेस करेंगे, तो आपका आज्ञा चक्र जागृत होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे कुछ साधकों को जैसे पानी के गुब्बारे फूटते हैं, इस तरह से उनके आज्ञा चक्र के आसपास वो गुब्बारे फूटने शुरू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कईयों को चश्मा जो लगा होता है वो धीरे धीरे उनका नंबर कम हो जाता है। ऐसे हमारे पास साधक हैं जिन्होंने 3 साल तक ध्यान साधना की, उन्हें चश्मा लगा हुआ था, 3 साल बाद अचानक से उन्हें ये अनुभव हुआ कि उनके ठंडे ठंडे गोले जैसे माथे पे फूट रहे हैं। और जैसे जैसे वो फूट रहे थे उन्हें आनंद आ रहा था, उन्होंने आंखें भी नहीं खोली, बंद बैठे रहे। और जब आंखें खोली तो उन्हें लगा कि उसे धुंधला दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने चश्मा पहना हुआ था। फिर चश्मा उतारा तो देखा साफ दिख रहा है, तो उन्होंने फिर नंबर चेक करवाया तो घट गया। ऐसे कुछ दिन बाद उनका वो चश्मा उतर गया, जैसे ही उनका ये हमसा चक्र ठीक हुआ, मीन्स आज्ञा चक्र ठीक हुआ। तो ऐसे जब आप करेंगे तो ऐसी स्थिति में जैसे ही आप ध्यान भी करते हैं वहां पे, तो यहाँ पे आपकी जो माइग्रेन का इशू है, सिर दर्द का है, या वैसे डिप्रेशन रहता है, वो भी ठीक हो जाएगा। और जिनकी आंखें बहुत कमजोर हैं, नहीं दिखाई दे रहा, नाम मात्र का है, तो उनके ये करवाने के बाद उन्हें एक कैंडल ट्रीटमेंट कराएं। जैसे हम ध्यान करते हैं तो कैंडल त्राटक कराना है, उनके सामने थोड़ा नजदीक साहिब 1 फुट की दूरी पे आपने कैंडल लगा देनी है। उन्हें जितना भी दिखता है उनको कहना माथे पे महसूस करें, उन्हें धीरे धीरे रोशनी महसूस होगी हल्की हल्की। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उनकी वो रोशनी धीरे धीरे वापस आनी शुरू हो जाएगी। तो ये उन्हें 10 मिनट रोज करना है। अपना आग सामने मोमबत्ती का स्टैंड लगा दें, उस पर कैंडल लगा दें, नहीं तो दीपक लगाना है, कोई टेबल रख के दीपक लगा दें, तो वो उनके आज्ञा चक्र के सामने ही हो। ये ध्यान रहे कि ये नहीं वो नीचे हो जाए या ऊपर कर दें, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल सामने सामने आपने उस कैंडल को या दीपक जला के रख देना है 1 फुट की दूरी पे। तो वहां बस अपना देखना है, अगर कम भी दूरी करना चाहते हैं तो 1/2 फुट कर लें, बस उनको कहना है भी ये देखना है। उन्हें हल्का हल्का प्रकाश धीरे धीरे महसूस होगा, और कई बार तो अचानक से ही उनकी दृष्टि जो खराब हुई है, आंखें कमजोर है, नहीं दिखाई देता, वो दिखने लग जाता है। तो ये प्रोसेस करने पे उनको ये ठीक हो जाएगा। और इसी प्रोसेस से कईयों को आज्ञा चक्र खुल के 5 लेयर हट जाती हैं, और वो फिर 3रा नेत्र उनका खुल जाता है। वो फिर सब कुछ जो दिव्य चीजें हैं, जैसे हमने 3रे नेत्र पर आपको बताई हैं कि वो पास्ट में फ्यूचर भी देख सकते हैं, कुछ जो नेगेटिव एनर्जियां हैं, पॉजिटिव एनर्जियां हैं, इस सूक्ष्म जगत की चीजें हैं, उन वो भी देखने में वो सक्षम हो जाते हैं। तो सभी को अलग अलग अपने अपने एक्सपीरियंस होंगे, आप जैसे करेंगे तो उस तरह आपके भी कुछ अलग एक्सपीरियंस होंगे। तो ये मत सोचिएगा कि ये आपने करना है 2-4 दिन में हो जाएगा। किसी किसी को तो जल्दी हो जाता है ठीक, किसी किसी को समय भी लग जाता है 3 महीने 6 महीने, तो आप करते रहें, 1-2 साल लग जाता है। जैसे एक बहन है, उनको 2 साल के बाद ऐसा बबल्स उनके फटे और उनको फिर चश्मा उतर गया, किसी को 3 साल में उतरा चश्मा। तो ऐसे जैसे जैसे रोज करेंगे, रोज फॉरगिवनेस करेंगे, माफ करेंगे सभी को, और ये कैंडल वाला आपने ट्रीटमेंट करना है, तो आप देखेंगे आपके कुछ ही दिनों में आपकी वो 3रा नेत्र भी खुलने लगेगा। तो ये एक तरह का त्राटक हो गया है, कैंडल त्राटक हो गया है आपका, वो आपने करना है। तो उम्मीद है दोस्तों दिव्य जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका उत्तर हम देने की कोशिश करेंगे। किसी को कुछ पर्सनल प्रश्न होता है तो आप हमें ईमेल के में भी कर सकते हैं, हम उनके ईमेल का जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करते हैं। कई बार उनके प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा गुप्त रखना होता है, कई बार बड़े प्रश्न होते हैं तो हम
उनको बोलते हैं कि ईमेल पे आप दोबारा से डाल दो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक करके और कमेंट भी डालें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों में भी शेयर करें। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।